था, क्या बोलेंगे, शांति शांति मज़ा तो आता है, लेकिन क्या करें, अकेले हो जाते हैं, इधर कोई दोस्त भी नहीं है अभी। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। फिर से नए ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। बहुत दिनों बाद आज ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो इससे पानी वानी भी आ रहा है, तो उस वजह से भी ब्लॉग नहीं कर रहे हैं। आज दिखाते हैं कि हम अपना घर में क्या क्या लगाए हैं, और अभी तो फिलहाल दतून कर रहे हैं। गाइस, हम झारखंड वाले हैं ना, तो हम दतुआ नहीं करते हैं, बरस नहीं करते हैं। करौंच का दतून देख रहे हैं ना, और इधर देखिए हम लगाए हैं, क्या है ये है लौवा, और इधर लगाए हैं सनई, और उसके बगल में ये फूल हो रहा है देखिए बोदी, और ये है भाटा, आई मीन्स बैगन, और ये है टमाटर, इसको बोलते हैं हम लोग साइड बेलाइती, ये है टमाटर। फिर चलिए आगे और दिखाते हैं, भी जाते हैं, बहुत सारा चीज़ लगाए हैं। देखिए इधर बैगन तो उतना खास फल उल नहीं रहा है, बूंदी उदी है, टमाटर टमाटर तो एकदम मस्त फला है, देखिए पूरा हरा हरा, ये देहाती वाला टमाटर है, आप लोग खाते हैं, बड़ा बड़ा वाला नहीं है। और इधर बैगन फला है लेकिन पूरा कीड़ा उड़ा लग गया है, इधर बूंदी है, और इधर कोहड़ा है, इधर मिर्चा भी लगाए हैं, देखिए क्या फूल हो रहा है इधर, मिर्चा ये तो मर गया, फूल हो रहा है। और दिखाते हैं अभी, एक तो कहीं फला था है, देखिए मिर्चा फल रहा है, देख रहे हैं ना, और ये है सेब का पेड़ है, इधर कोहड़ा है उधर, और चलिए इधर थोड़ा झूड़ हो गया है, झूड़ झूड़ जाना पड़ता है। यह आम का पेड़, यह कोइनर पेड़, और यह क्या है, ये गंभीर, इधर लीची, इधर पता नहीं कौन सा पेड़ माल आई थी, उसको लगाए हैं, और उधर है तेज पत्ता, दिख रहा है कि नहीं, तेज खाते हैं जूम करके, और देखिए तेज पत्ता, बहुत सारा लगाया था, जैसे कि क्या बोलते हैं, अनार सब भी लगाए थे लेकिन वो सब मर गया। तो देखिए यहाँ पूरा झमड़ा बनाया है पूरा कोहड़ा को चढ़ाने के लिए, अब देखते हैं हल्का है कि नहीं, यह पूरा बना दिए भयानक टाइप से। और इधर लगाए हैं मुनगा, देख रहे हैं ना मुनगा, अच्छा हरा भरा हुआ है। तो चलिए, घर के सामने बहुत सारा चीज़ लगाए हैं लेकिन कुछ फल उल नहीं रहा है इतना खास, पता नहीं नया मिट्टी है बोल के कि क्या, तो इस सबको एक बार हटाएंगे, अभी तो नहीं बाद में, उसके बाद सबको फिर वहाँ कोड़ेंगे, फिर गोबर माइद लगाएंगे, फिर क्या क्या कीड़ा मारने वाला सब दवा लगाएंगे, उसके बाद फिर अच्छा से थोड़ा खेती होगा। इधर तो ऐसे ही है, बस फेंका हुआ है, सब पड़ा हुआ है इधर, अभी यहाँ भी बहुत काम रहा, काम जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक इतना खास नहीं लगेगा। और इधर देख सकते हैं पूरा इधर प्लॉट खाली है, इधर पूरा खाली है, यहाँ ज़्यादा घर नहीं है, बस गिना चुना, लेकिन धीरे धीरे अब घर और बन रहा है। इधर देखिए, इधर तो पहले से ही था, उसके बाद हम लोग आए, क्या ही बोले, चलिए फिर रुतन उतन करते हैं, नाश्ता वास्ता करते हैं, फिर आगे क्या करेंगे क्या नहीं, बस जाना कहीं तो नहीं है, बस घर में ही रहेंगे, तो क्या करेंगे क्या नहीं वो सारा चीज़ आप लोग को दिखाएंगे, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। A few moments later, बहुत दिनों बाद, वैसे डेली तो गाड़ी में घूमते हैं, आज सोचे कि थोड़ा पैदल घूमा जाए, थोड़ा चलना भी चाहिए कभी कभी, हमेशा गाड़ी में ही बस चलते हैं, तो चेक कर सकते हैं इधर पूरा रोड, इधर ज़्यादा घर और भी नहीं है, उस वजह से ठीक ही लगता है, लेकिन कोई दिन किसी दिन एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा
सब तरफ घर भर जाएगा। देख रहे इधर पूरा खाली, इधर भी हल्का फुल्का घर है। तो वैसे मजाक तो आता है धीरे धीरे, कहीं भी थोड़ा सा मतलब नया जगह में वहाँ का जगह के हिसाब से ढलने में टाइम लगता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वही मज़ा आता है। फिर चलिए दिखाते हैं आगे, आगे तो पूरा खेत है, इधर चेक कर सकते हैं, उधर पूरा आगे खेत है, इधर भी खेत है और बीच में रोड है। चलिए ना दिखाते हैं, ब्लॉग में बने रहिएगा और चैनल में नहीं हो तो चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। और वैसे कल का कुछ प्लान भी नहीं है, अभी प्लान व्लान बनाते नहीं, प्लान बनाने से प्लान सक्सेसफुल होता ही नहीं है, इसीलिए प्लान नहीं बनाते हैं। और देखते हैं कल का क्या सीन है क्या नहीं, वो कल जाएंगे तो परसों अगर आप हो सके जाएंगे तो ब्लॉग में आएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं। तभी इस ब्लॉग को एंजॉय कीजिए, यही तो मज़ा है गाइस। मतलब क्या बोलेंगे, थोड़ा सा मतलब टाउन से बाहर ही घर बनाए हैं, मतलब टाउन से थोड़ा क्या ज़्यादा ही बाहर है, और इधर मतलब NSE में नहीं आता है, ये गांव क्षेत्र में आता है। तो गांव क्षेत्र में आता है तो वैसे ही माहौल रहेगा। देखिए इधर पूरा धान उन लगाया है भयानक टाइप से, और इधर भी धान है देख रहे ना। यही सब देख के तो मज़ा आता है। शहर में बस गाड़ी का आवाज़ चाँचू चाँचू, थोड़ा इधर सा क्या बोलेंगे शांति शांति, मज़ा तो आता है लेकिन क्या करें अकेले हो जाते हैं, इधर कोई दोस्त भी नहीं है। अभी तो फ़िलहाल 1-1.5 महीना ही हुआ है इधर शिफ्ट किया हुआ, तो उस वजह से भी दोस्त नहीं है। तो अभी धीरे धीरे बनाएंगे नए नए दोस्त, तो आप लोग को भी मिलाएंगे, टेंशन काहे ले रहे हैं। और पता नहीं आशीष को सुबह से कॉल कर रहे हैं बट वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, पता नहीं कुछ चीज़ में बिज़ी होगा या फिर वैसे तो बोल रहा था कहीं जाना है कुछ ऐसा करके। तो देखते हैं अगर कॉल बैक करता है तो ठीक है, बुलाएंगे उसको अभी, कहे कि हम तो पैदल निकले हैं तो नहीं जा सकते हैं। और इधर देखिए छोटा सा नदी नहीं ये ढोढ़ा है, हम लोग साइड इसको ढोढ़ा बोलते हैं। इधर का रोड कब बनेगा समझ में ही नहीं आ रहा है, बनेगा कभी ना कभी धीरे धीरे। पहले यहाँ पर था डोभा, ये पूरा खेत है, इसको बेच दिया है और पूरा मिट्टी उट्टी भर दिया है। ओ भाई यहाँ पहले आदमी लोगों ने मछली पकड़ने आता था, उसको भी कबाड़ कर दिया, क्या बोल सकते हैं, सबके अपने अपने ज़मीन मालिक भी बेच दिया। और वो नदी दिखाए थे ना आप लोग को, देखिए इधर आके ये कचड़ा पानी, लेकिन आदमी लोग यहाँ मछली उछली फंसाता है, कल देखे थे दो गो भैया को तो इधर पूरा वहाँ मछली उछली फंसा रहा था। से देखा जाए तो कचड़ा जगह में ही ज़्यादा मछली मिलता है बड़ा बड़ा, कहे कि मछली कचड़ा ही ना खाता है, ऐसे खेत उत में जो मछली मिलता है वो कचड़ा ही खाता है। तो क्या बोल सकते हैं, हम तो नहीं खाते हैं मछली, जो लोग खाता है वो लोग अपना समझे भाई।